दोस्तों, केदारनाथ बेस कैंप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में बड़ा हादसा होते होते टल गया। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से ये हादसा होने से बचा। केदारनाथ धाम में यात्रियों से भरे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जानकारी मिली है कि क्रिस्टल के हेलीकॉप्टर का रूडल खराब हो गया था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। हेलीकॉप्टर के सुरक्षित लैंड के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा हमेशा से ही जोखिम भरी रही है। बीते 11 वर्षों में केदारनाथ में 10 हादसे हो चुके हैं। यहाँ इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वहाँ का क्या माहौल था और जो अंदर यात्री बैठे हुए थे उन पर उस समय क्या बीत रही होगी। लेकिन फिलहाल पायलट की सूझबूझ से ये जो हादसा है ये होते होते टल गया है, तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने बताया कि आज शुक्रवार सुबह 7 बजे क्रिटन एविएशन कंपनी के हेली ने 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड से लगभग 100 मीटर पहले आपातकालीन लैंडिंग करवाना पड़ा। पायलट कल्पेश के द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में सकुशल लैंडिंग कराया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सकुशल हैं। घटना के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर यात्रियों की सहायता कर उन्हें मंदिर तक सही सलामत पहुँचाया गया। केदारनाथ धाम में क्रिस्टल कंपनी के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की DGCA जांच करेगा। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि हेलीकॉप्टर के टेल रोटर में तकनीकी खामियां आने के कारण पायलट ने बड़ी सूझबूझ से सॉफ्ट लैंडिंग की है। हेलीकॉप्टर में तमिलनाडु के 6 लोग सवार थे। घटना सुबह 7 बजे के आसपास हुई और अधिकारियों ने तकनीकी खराबी का सटीक कारण निर्धारित करने के लिए आगे की जाँच शुरू कर दी है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के आए वीडियो से ये साफ हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से पायलट का जो कंट्रोल है वो छूट गया था। सुबह 7:01 पे केदारनाथ के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, इसी दौरान रोटर में खराबी आ गई। रोटर की खराबी के कारण हेलीकॉप्टर हवा में ही डगमगाने लगा। पायलट ने हेलीकॉप्टर लैंड कराने की कोशिश की लेकिन नियंत्रण पूरी तरह से छूट गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर की सेफ क्रैश लैंडिंग की कोशिश शुरू की। हेलीपैड से करीब 100 मीटर आगे ही पायलट ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करा दी। केदारनाथ हेलीपैड से 100 मीटर की दूरी पर सुबह 7:03 पर हेलीकॉप्टर को पायलट ने सही सलामत मिट्टी पर लैंड करा दिया। इस दौरान हेलीकॉप्टर कई जगह पर जमीन से टकराया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। सभी 6 सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए उन 6 लोगों की जान हलक में जरूर आ गई। उनके सामने ही उनको मौत दिखाई दे रही थी। 6 तीर्थयात्रियों सहित 7 लोगों के साथ जा रहे हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अधिकारियों ने कहा कि पायलट समेत सभी यात्री सुरक्षित हैं। रुद्रप्रयाग के DM सौरभ गहरवार ने बताया कि हेलीकॉप्टर ने सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद पीछे की मोटर में एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई। इससे पायलट को घास के मैदान पर निर्धारित हेलीपैड से कुछ मीटर की दूरी पर ही आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। DM गहरवार ने संयम बनाए रखने और त्वरित निर्णय लेने के लिए पायलट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि पायलट ने संयम बनाए रखा और त्वरित निर्णय लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपातकालीन लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं। तीर्थयात्री केदारनाथ मंदिर की अपनी यात्रा पूरी करने में भी कामयाब रहे। DM ने कहा कि सभी तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने के बाद अब लौट आए हैं।